सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रियल इंडियन होम एंड किचन को और बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आपको मेरी वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपना सैटरडे का लंच रूटीन। ये एक परफेक्ट लंच मेन्यू है और ये सिर्फ 30 मिनट्स में बन के रेडी हो जाता है। तो मेन्यू में मैंने रखा है मटर पनीर, प्लस मैंने रखी है दही पकौड़ी और सिंपल रोटीज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मटर पनीर के लिए मैं यहाँ पे पनीर लाई हूँ, ये 250 ग्राम पनीर है। आप चाहें तो घर पर तैयार किया पनीर भी यूज कर सकते हैं, दही पकौड़ी के लिए दही। तो यहाँ पे मैंने ये मसाला खरीदा है जो कि मटर पनीर का मसाला है और ये ब्रांड में पहली बार ट्राई कर रही हूँ, और क्योंकि मुझे जल्दी से लंच बनाना है इसलिए मैंने ये मसाला प्रेफर किया। और उसके बाद ये मटर है जिनको मैंने थोड़ा सा नमक डाल के एक बार बॉईल कर लिया है, ये चेक करने के लिए कि इसमें कोई कलर तो यूज़ नहीं है। उसके बाद मैंने थोड़ी सी प्रिपरेशन की है मटर पनीर के लिए। मैंने थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा लिया है, मैंने दो मीडियम साइज़ के यहाँ पे प्याज लिए हैं और 8 से 9 लहसुन की कलियाँ मैंने जार में कट कर रख ली हैं। 4 मैंने मीडियम साइज़ के टमाटोज लिए हैं। तो यहाँ पे मैं मटर पनीर के लिए एक तो मसाला है जो मिक्सी में पीस के तैयार कर रही हूँ जिसमें ऑनियन, जिंजर एंड गार्लिक है, और दूसरा मैं छोटे छोटे बारीक बारीक प्याज कट कर रही हूँ। तो मेरे पास छोटे छोटे साइज के प्याज थे तो मैंने 6 से 7 प्याज यहाँ पे ले लिए हैं और इनको मैं बारीक बारीक कट कर लूंगी। तो मैं मटर पनीर में हमेशा दोनों तरह का मसाला यूज करती हूँ, एक तो पिसा हुआ मसाला और दूसरा इस तरीके से कट किए हुए ऑनियन। तो बस इनको फाइनली चॉप करना है। जब कभी जल्दी का काम होता है तो मैं हमेशा जो प्याज वाला ग्रेवी है उसके साथ में ही मैं टमाटोज को भी ग्राइंड कर लेती हूँ। तो मैं ये सारी चीज़ें एक साथ ग्राइंड करूँगी। इसके साथ कलर के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कश्मीरी रेड चिली, ये सूखी रेड चिलीज हैं, इनको मैंने तेल लिया है और इनको मैं इसी तरीके से इसमें तोड़ के डाल दूंगी। आप चाहें तो थोड़ी देर इनको भिगो के रखेंगे तो भी अच्छी रहेंगी, और देख सकते हैं आप इनका कलर कितना अच्छा आता है किसी भी ग्रेवी के अंदर। तो आप कलर के लिए कश्मीरी रेड चिली यूज़ कर सकते हैं, ये बिग बाज़ार में ईजिली अवेलेबल होती हैं। एक पैन में मैंने लिया है 2 चम्मच सरसों का तेल, एक छोटी चम्मच इसमें जीरा ऐड करेंगे, जीरा जब अच्छी तरीके से क्रैक हो जाए तो उसके बाद ये जो हमने ऑनियन छोटे छोटे कट करके रखे थे हम इसमें ऐड कर देंगे और इसे तब तक फ्राई करेंगे जब तक ये अच्छे से डार्क ब्राउन कलर में नहीं हो जाता। अनियन के कुक होने के बाद ये मसाला मैंने डाल दिया है इसमें। ये मसाला 500 ग्राम पनीर के लिए था पर मैंने 250 ग्राम के लिए यूज़ किया है क्योंकि आज हम लोग थोड़ा स्पाइसी खाना चाह रहे थे, तो इसलिए मैंने ये पूरा मसाला इसमें यूज़ कर लिया है। आप मसाला और नमक मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हैं, कम कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मैंने पेस्ट तैयार किया था जिंजर गार्लिक ऑनियन टमाटोज एंड रेड चिलीज का, वो मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ग्रेवी बनाते समय उसमें थोड़ा सा नमक जरूर ऐड करें। यहाँ पे जो मैंने मटर बॉईल करके रखे थे मैं इनको एक बार और आरओ के पानी से वॉश कर लूंगी और उसके बाद मैं इस ग्रेवी में इसको ऐड कर दूंगी। साथ ही साथ मैं इसमें ऐड करूंगी पनीर के क्यूब्स। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूंगी थोड़ा सा पानी, जिस हिसाब से भी आपको पतली ग्रेवी या थिक ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से आप इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। मैं ये सब्जी आज रोटी के साथ सर्व कर रही हूँ इसलिए मैं इसको थिक रखूंगी। इसे ढक देंगे और 4-5 मिनट तक इसे पकने देंगे ताकि मटर और अच्छी तरीके से कुक हो जाए। लास्ट में मैं इसमें ऐड कर रही हूँ धनिया के पत्ते। इस स्टेज पर आप थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड कर सकते हैं पर मैंने मटर पनीर का मसाला यहाँ काफी ज्यादा यूज किया है इसलिए मैं गरम मसाला ऐड नहीं कर रही हूँ। मटर को चेक करके देख लें कि मटर अच्छी तरीके से पक चुकी है। अगर मटर पक गई है तो बस आपकी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है। इसे थोड़ी देर ढक के छोड़ दीजिए। तो बस मटर पनीर की सब्जी तैयार है और अब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट कर रही हूँ दही पकौड़ी की। तो यहाँ पे मैंने 3 चम्मच लिया है बेसन का, इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी रेड चिली का जो पाउडर है उसको ऐड किया है। मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इस मिक्सचर को अच्छी तरीके से स्मूथ कर लूंगी।
ध्यान रखें कि पकौड़ी के पेस्ट को अच्छी तरीके से स्मूथ करें ताकि पकौड़ी अच्छी बने। यहाँ पे मैंने तलने की कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल ले लिया है। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल ही यूज किया है। तेल जब गर्म हो जाए तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे छोटी छोटी पकौड़ियाँ। ये एकदम छोटी छोटी बना के आपको डालनी है ताकि दही में वो बहुत ही सुंदर सी दिखें। तो एकदम छोटी छोटी पकौड़ियाँ इस तरीके से बनाएं और ध्यान रखें कि आपका जो बेसन का पेस्ट है वो अच्छी तरीके से फिटा हुआ हो। और ये पता चलेगा जब आपकी पकौड़ी एकदम अच्छे से फूल जाएगी। मैंने अपनी एक वीडियो में पहले भी बताया है कि बेसन को अच्छी तरीके से फेंटना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे आप कढ़ी के लिए पकौड़ी बना रहे हो या चाहे दही के लिए बना रहे हो। यहाँ पे दही लिया है मैंने। दही को अच्छी तरीके से फेंट लिया है और ये 250 ग्राम दही है। इसके अंदर जो भी मैं मसाले ऐड करती हूँ वो आप सब लोगों को पता ही होंगे, मैं कई बार बना चुकी हूँ। तो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रोस्टेड जीरा, थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट, थोड़ी सी रोस्टेड रेड चिली। उसके बाद ये सारी पकौड़ी मैं इसमें थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के ऐड कर दूंगी। तोड़ते इसको इसलिए है ताकि दही का सारा फ्लेवर इसके अंदर अच्छी तरीके से ऑब्जर्व हो जाए। और बस इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे और इसे छोड़ देंगे हम 15-20 मिनट के लिए ताकि पकौड़ी के अंदर अच्छी तरीके से सारा दही ऑब्जर्व हो सके। थोड़ा सा हम इसमें पानी ऐड करेंगे ताकि जो है दही ज्यादा थिक ना हो जाए। और बस मेरा लंच 30 मिनट के अंदर बनकर रेडी हो चुका है और मैं गर्मा गर्म यहाँ पे फुलके सेक रही हूँ और उसके बाद हम अपना लंच एंजॉय करेंगे। तो ये एकदम परफेक्ट लंच मेन्यू है। अगर कोई आपके घर में एकदम से आ जाए और आपको खाना बनाना पड़े तो आप ये लंच मेन्यू तैयार कर सकते हैं। आप थोड़ा सा स्पेशल अपने डिनर को बना सकते हैं। सिंपल दही रखने की बजाय दही पकौड़ी बनाइए जो कि बनाना बहुत ही आसान है, 5 मिनट्स में बनकर रेडी हो जाती हैं। और मटर पनीर भी बनाना बहुत ही ईजी है। इसमें में आप एक मसाले का पैकेट ज़रूर रखें जो कि रेडीमेड हो। मैं हर तरीके के मसाले के पैकेट एकदम रेडीमेड वाले रखती हूँ ताकि मसालों को मिक्स एंड मैच करने में हमारे हाथ से कोई गड़बड़ ना हो जाए। कई बार जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए दाल मखनी मसाला, मटर पनीर मसाला, शाही पनीर मसाला, इस तरीके के मसाले आप छोटे छोटे स्टॉक्स में छोटे छोटे लें। जैसे मैं 10 रुपीज़ वाला लेती हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं लेती हूँ। इससे आप मसाले लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं और मसालों के वेस्ट होने का भी चांस नहीं रहता है। तो इस टाइप के रेडीमेड मसाले जो एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है मसालों के, वो हमेशा आप अपने पास रखें ताकि जल्दबाजी में आप चुटकियों में खाना बनाकर तैयार कर सकें। तो ये था मेरा लंच मेनू। अब हम अपना लंच एंजॉय करेंगे और होपफुली आप लोग भी इस मेन्यू को ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके बताएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ एक थम्सअप ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।